हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस यू गैन में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत, और यह सीरीज सिविल सर्विसेज पीएससी और अन्य एग्जाम जहां इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है के लिए उपयोगी है। इस सीरीज़ के पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाउनलोड आप कर सकते हैं। यह इस सीरीज़ की 14वीं चैप्टर है, 14 चैप्टर, जिसमें हम केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और सुविधा के लिए हमने इसको चार पार्ट में बांटा हुआ था इस चैप्टर को, और ये इस चार पार्ट का ये चौथा पार्ट है। आज हम देखने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में। यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्र के द्वारा बनाया गया है, और यदि आपको यह सीरीज और इससे पुरानी सीरीज से बेनिफिट हुआ, आपको अच्छा लगा, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले केंद्र राज्य जो संबंध है उनके बीच कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो तनावपूर्ण है, या कहां कहां पर जो प्रॉब्लम है सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम वो देखेंगे, और उसको सुधारने के लिए फिर क्या क्या प्रयास किए गए वो देखेंगे। तो प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो प्रयास है वो हम देखते हैं। पहला ARC 1966 में गठित हुआ था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर राजबन्नार कमेटी गठित होती है 1969, जो तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। इसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है 1973 में। फिर सरकारी आयोग आता है 1983 में। देन पुंछी आयोग 2007 में आता है। ये जो पुंछी आयोग है ये लेटेस्ट है। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, और इन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं। आप कभी भी मेंस में आंसर लिखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन या पॉलिटी वाले सेक्शन में आप इस रिकमेंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तनाव संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं केंद्र राज्य संबंधों में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। सबसे पहले राज्यपाल की जो नियुक्ति और बर्खास्तगी का जो प्रक्रिया है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा विवादित प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं वो कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति का प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री का प्रसाद। तो यहाँ पर इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है राज्यपाल का, वो उनके क्या है, एक एजेंट के जैसे काम करते हैं, जब तक उनका मन हुआ तब तक ठीक। केंद्र में जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही वो क्या कर देते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदल के अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। मतलब एक जो संवैधानिक पद है राज्यपाल का, उस पद की पर्याप्त गरिमा और उनकी इंडिपेंडेंस नहीं रखी गई है। हालांकि इसके पीछे प्रॉपर रीज़न भी है कि राज्यपाल का उद्देश्य ही ये है कि वहाँ जो केंद्र है, केंद्र का क्या हो, एक व्यापक प्रशासकीय नियंत्रण हो। लेकिन क्योंकि वो संवैधानिक पद है इसलिए उसकी कुछ गरिमा भी होनी चाहिए। तो जो नियुक्ति और बर्खास्तगी वाला जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, एक उसमें कुछ नियम होने चाहिए या कुछ ऐसी ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि किसी को भी सरकार बदलने मात्र से क्या है, बर्खास्त न किया जाए, या उनकी नियुक्ति के प्रॉपर आधार होने चाहिए। ये तनाव वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा राज्यपाल का दलगत और पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है ये भी एक कारण है, क्योंकि राज्यपाल किसी न किसी दल के मेंबर होते हैं या उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं, उनको क्या किया जाता है, राज्यपाल के रूप में केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जब उनका क्या होता है, जब विवेकाधिकार वाली शक्ति आती सामान्यतः तब नहीं करते, लेकिन जब विवेकाधिकार जो है उनका यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन का जब यूज़ करते हैं, तब जनरली ऐसा देखा गया है कि वो दलगत और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आपने जो महाराष्ट्र वाला जो इलेक्शन था, महाराष्ट्र वाले इलेक्शन में क्या हुआ था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो BJP है और जो शिवसेना है उसकी जो गठबंधन जो थी, पूर्व की गठबंधन, उनको क्या मिला था, बहुमत मिला था। लेकिन जो शिवसेना है वो एग्री नहीं की, तो BJP के पास प्रॉपर नंबर नहीं थे। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा बल दल था इसलिए उसको बुलाया गया। उन्होंने नंबर नहीं होने के कारण सरकार बनाने से मना किया। देन शिवसेना को बुलाया गया, शिवसेना के पास भी नंबर नहीं थे, उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा। कांग्रेस को बुलाया गया, कांग्रेस ने भी क्या किया, उसने भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाकी दलों ने भी रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली स्थिति ये बनी कि कांग्रेस और शिवसेना और जो आपका NCP था, NCP, ये तीनों ने मिलकर क्या किया, एक नया गठबंधन तैयार किया चुनाव के बाद, गठबंधन, और गठबंधन करके वो सरकार बनाने के लिए दावा करने वाले थे। तो जिस दिन वो दावा करने वाले थे उसी दिन सुबह 5:27 में एक जो प्रेसिडेंशियल रूल था वो हटा दिया गया। हाँ, इससे पहले की स्थिति ये बनी कि जो शिवसेना था उसको 48 घंटे उन्होंने समय मांगे थे, उनको समय न देके उन्होंने क्या कर दिया, जल्दबाजी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये एक पक्षपातपूर्ण रवैया था। यदि कोई दल समय चाह रहा है, 48 घंटे अगर चाह रहा है, और वो बोल रहा है कि हम बहुमत साबित करने की स्थिति में है, तो उनको प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए।
चलो वहाँ अगर टेक्निकलिटीज है या उन्होंने समय नहीं भी दिया, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि 5:27 में आप सुबह उठ के राष्ट्रपति से साइन करवा रहे हैं, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट, मतलब महाराष्ट्र में जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था वो हट जाएगा राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद फिर आप सुबह सुबह 7:30 क्या कर रहे हैं, एक नए जो चीफ मिनिस्टर हैं जो देवेंद्र फडणवीस थे बीजेपी के, उनको एज ए चीफ मिनिस्टर साइन करा रहे हैं, उनको शपथ दिला रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से बायस्ड व्यवहार है। आप जिनके पास प्रॉपर नंबर नहीं है या जो अपने नंबर साबित नहीं कर पा रहे हैं, पहले बीजेपी को मौका मिला था, उन्होंने नंबर साबित नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अचानक से अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन को विड्रॉ कर ले रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो ये व्यवहार जो है ये बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण या दलगत व्यवहार है जो बहुत हमेशा से विवादित रहा है राज्यपाल के संबंध में। आगे देखेंगे विशेष दल के जो हित में राष्ट्रपति शासन, जैसे अभी मैंने चर्चा किया, उसका इम्पोजमेंट जो होता है या राष्ट्रपति शासन लगाना एक विवादित मामला है। फिर राज्यों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बल की जो तैनाती की जाती है, CRPF की तैनाती बहुत जगह की जाती है कानून व्यवस्था के नाम पर, ये इसका बहुत सारे राज्य क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि CRPF के किसी राज्य में तैनाती का मतलब है उस राज्य की जो पुलिस या अन्य जो सैन्य इकाई है उस राज्य, उसके ऊपर ये जो CRPF है उनका क्या हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है। अभी जैसे CRPF वाले विवाद में आपने देखा होगा जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ क्या किया गया था, CRPF भेज के वहाँ के जो पुलिस के जो ऑफिसर थे, पुलिस कमिश्नर थे, उन लोगों को गिरफ्तार कराया गया था। तो ये एक क्लैश का विषय था। ऐसे ही राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना, इसके लिए कोई प्रॉपर नियम नहीं है कि किन किन विषयों को आरक्षित रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, ये क्या है, पूरी तरह से राज्यपाल का विवेकाधिकार डिस्क्रिशन है कि उसको वो भेजे या ना भेजे, ठीक है। राज्यों के मध्य वित्तीय आवंटन का जो भेदभाव है वो भी एक विवाद का विषय है। राज्य जो हमेशा डिमांड करते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, आवंटन का प्रॉपर एक सिद्धांत होना चाहिए कि किन सिद्धांतों के आधार पर बटा हुआ है। दूसरा जो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग भी कई बार क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अनुशंसा करता है उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अभी जो 15वीं जो वित्त आयोग था, 15th Finance Commission, उसने रिकमेंडेशन एक ये दिया था कि जो जनसंख्या है उसके आधार पर क्या हो, जो आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो, जबकि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, दक्षिण के राज्यों को कम मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर के राज्यों में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि साउथ के जो स्टेट हैं उन्होंने अच्छा काम किया, तो उनको अच्छा काम करने का एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगा, तो वो विवाद का विषय है। इसके अलावा राज्य नीतियों के अनुपालन में नीति आयोग की जो भूमिका है वो विवाद का विषय है। जो राज्य हैं उनका ये मानना है कि नीति आयोग क्या कर रहा है, जैसे पुराने योजना आयोग की स्थिति थी वही नीति आयोग की योजना है, तो नीति आयोग बेसिकली हमारे जो अधिकार हैं उनको कम कर रहा है या हमको जबरन में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जो दायित्व है वो दे रहा है राज्यों को। तो ये राज्य और नीति आयोग के बीच एक क्लैश है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रबंधन है, वो अखिल भारतीय सेवाएं बेसिकली स्टेट में सर्विस देते हैं, स्टेट से उनको वेतन भत्ते और आदि सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मूल रूप से किसके प्रतिनिधि होते हैं, वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के कर्मचारी होते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण वाला जो सवाल उठता है कि केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए या राज्य का, और नियंत्रण अगर अलग अलग है भी तो किस किस सीमा तक होना चाहिए, तो ये विवाद का विषय है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो उपयोग है वो, जैसे आप जो शासकीय चैनल है, दूरदर्शन के जो चैनल हैं, जो FM वगैरह के जो चैनल हैं, उन सब का जो उपयोग है, इसके अलावा जो अन्य मीडिया हाउसेज हैं उनको, उनका जो राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग किया जाता है वो एक विवाद का विषय है। मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध और जो राज्य के मंत्री हैं उनके विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति जो की जाती है वो विवाद का विषय है। राज्यों में यदि क्या है, जनरली क्या होता है, केंद्र से अलग यदि किसी दूसरे दल की सरकार है तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए या अन्य तरीके से परेशान करने के लिए क्या करते हैं, उनके विरुद्ध जाँच आयोग गठन कर देते हैं। जाँच आयोग क्या करती है, उनको इंटेंशनली परेशान करती है। हो सकता है उनके विरुद्ध आरोप सही हो, आरोप बाद में जांच में पाया भी जाए, लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। यदि आपको वो जाँच करानी भी है तो आप इंडिपेंडेंट तरीके से कराइए, आप इंडिपेंडेंटली, मतलब यदि कोई आरोप आ रहा है, कोई शिकायत आ रही है, तो फिर आप उस मामले को पुलिस व्यवस्था या जो आपका जुडिशरी सिस्टम है उस सिस्टम में ले जाके फिर आप जाँच कराइए। आप यदि इंटेंशनली एक ही मामले में एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी का है उसके साथ आप अलग व्यवहार कर रहे हो, और आपके पार्टी के विपक्ष का है उसके साथ अलग व्यवहार कर रहे हो, तो ये क्या है, विवाद का विषय है।
केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी जो है उसका विवाद हमेशा से रहा है। अभी जीएसटी का जो विवाद है वो आ गया है कि जीएसटी का पैसे का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। दूसरा ये कि जो क्षतिपूर्ति है जो राज्यों को मिलनी चाहिए थी 5 साल के लिए जो केंद्र ने प्रॉमिस किया था, वो अब केंद्र जो है वो अब मना कर रहा है, या वो ये बोल रहा है कि अभी हमारे पास कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन इतना नहीं हुआ है, हम राज्यों को नहीं दे सकते। कुछ राज्य यह आरोप भी लगा रहे हैं कि जहाँ पर उनकी मतलब पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा राज्य सूची के विषय पर केंद्र के द्वारा कई मामलों में अतिक्रमण किया जाता है। मामले हमने देखे, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी होता है, वित्तीय आपातकाल के कारण समय भी किया जा सकता है, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के समय भी किया जा सकता है, और आर्टिकल 249 जो है उसके माध्यम से भी राज्यसभा की परमिशन से किया जा सकता है। अब आते हैं प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो प्रयास किए गए उन पे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग पहला जो गठित हुआ था 1966 में, इसके अध्यक्ष जो थे वो मोरारजी देसाई थे। तो 1966 जो फर्स्ट ARC है प्रशासनिक सुधार आयोग, ये इसमें अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा की गई थी। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय व्यक्ति की नियुक्ति जिसका सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में अनुभव हो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाने की अनुशंसा थी। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का प्रोविजन था, मतलब जो केंद्र है जो सेंटर है वो क्या करे अपने जितने पावर से उनको क्या करे धीरे से जो स्टेट है उनको प्रत्यायोजित कर दे। प्रत्यायोजन में क्या होता है, आप यहाँ दो चीज़ें देखेंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका प्रत्यायोजन और दूसरा होता है प्रत्यायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, जो सेंटर है वो यदि अपने पावर को स्टेट को डेलीगेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया अपने साथ जो पावर्स हैं वो दे दिए, और पावर्स के साथ साथ पावर्स जो है वो किसको दे दिए, स्टेट को दे दिए। दूसरा होता है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया जाता है। तो ये दो टर्म है अलग अलग, एक है डिसेंट्रलाइजेशन, ये होता है पावर प्लस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। दूसरा होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है, केवल पावर दिया जाता है जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला क्या कि जो मतलब यहाँ कंडीशन ये होनी चाहिए जो यहाँ हम देख रहे थे, इसमें क्या होना चाहिए, जो केंद्र है वो क्या करे अधिक से अधिक क्या करे जो सत्ता है या जो शक्तियाँ हैं उसका क्या करे डेलीगेशन करे किनको, राज्यों को। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली किसके पास है, केंद्र के पास है, लेकिन उन शक्तियों के क्रियान्वयन जो वो खुद अभी कर रहे हैं केंद्र, वो क्या करे खुद ना करके राज्यों को शक्तियों को हस्तांतरित कर दे, राज्य क्या करे उनको उस शक्तियों का प्रयोग करके जो कार्य हैं उनको करे। तो राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था की बात की गई थी। इसके अलावा राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए जाने की बात की ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे, क्योंकि आपके पास यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसा आपके पास पर्याप्त है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, गवर्नेंस कर सकते हो, अपने स्टेट को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। राज्यों के अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो, मतलब जो केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का विवाद था उसके लिए उन्होंने बोला कि केंद्रीय सशस्त्र बल या CRPF या जो सेना के जो जवान हैं वो राज्यों में तभी तैनात होंगे जब राज्य जो है वो क्या करें अनुरोध करें या कोई विषम परिस्थिति आ जाए, सामान्य स्थिति में CRPF तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4-5 क्या थे रिकमेंडेशन थे फर्स्ट ARC के, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। इसके अलावा बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं, हमने सभी को उल्लेख नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट लगे या जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ था अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के माध्यम से। इसके बाद राजबन्नार कमेटी आती है 1969 में, तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित होती है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर VP राजबन्नार थे, और इनकी जो अनुशंसाएं थी उनको केंद्र ने क्या कर दिया था, बाद में खारिज कर दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 263 के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा योजना आयोग का स्थान एक संवैधानिक निकाय के द्वारा लिया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की थी। जैसे हमने जो योजना आयोग था उसका स्थान आज हमने किसको दे दिया है, नीति आयोग को दे दिया, लेकिन नीति आयोग भी क्या है, संवैधानिकता निकाय, मतलब संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इन्होंने ये बोला था राजबन्नार कमेटी ने कि एक संवैधानिक निकाय के द्वारा योजना आयोग का क्या लिया जाए, स्थान लिया जाए। अब संवैधानिक निकाय की हम बात करें तो आर्टिकल 280 में प्रोविजन है ही
कि वित्त आयोग जैसी एक संस्था होगी, तो वित्त आयोग मूल रूप से संवैधानिक संस्था है और उसका काम ही है जो संघ और राज्य हैं उनके मध्य जो धन है या जो रिसोर्सेस हैं उनका वितरण करना। तो योजना आयोग का बेसिकली यही काम होता है, प्लानिंग करना, प्लान करके जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का वितरण करना। तो सेम काम जो वित्त आयोग है जो वो कर रहा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ये किया जा सकता है कि आर्टिकल 280 के माध्यम से जो वित्त आयोग की व्यवस्था है उसके फंक्शन को कुछ और क्या कर दिया जाए, उसको एलिब्रेट कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए और एक बेहतर संस्था की व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से इन्होंने राजमनार कमेटी ने संवैधानिक निकाय का रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा वित्त आयोग के स्थायी निकाय बनाने की इन्होंने बात की। अभी क्या होता है, वित्त आयोग जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर 5 साल के गैप में क्या करते हैं, इसका गठन करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि वित्त आयोग क्या होना चाहिए, एक स्थायी निकाय होना चाहिए और कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 5 साल के बाद उसको डिसॉल्व करके हम फिर से एक नया वित्त आयोग बना रहे हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूस बॉडी होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 356, 357, 365 जो है, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर देने की बात की गई थी। तो अगर कहीं पूछा जाए कि किस कमेटी ने राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो क्लॉज है आर्टिकल 356, 357 और 365 इसको समाप्त करने की बात की गई थी, तो वो थे राजमनार कमेटी। इसके बाद राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्रियों के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करने के प्रावधान को हटाया जाए। तो यहाँ इन्होंने जो अभी हमारे पास वर्तमान में प्रोविज़न क्या है, राज्य के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के क्या करते हैं, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ऐसी जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत केंद्र के मंत्री कार्य करते हैं, तो ये प्रसाद पर्यंत वाला जो प्रावधान है उसको हटा के स्थायित्व दिया जाए, ऐसा यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था, ताकि क्या हो, जो मंत्री हैं वो एक स्थायी टेन्योर के लिए काम कर पाएँ, उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का बाधा मत हो और उनको बीच में क्या है मनमर्जी डिस्टर्ब ना किया जाए, या यदि प्रधानमंत्री से किसी भी स्थिति में कोई विवाद हो रहा है तो वो उनको हटवाना दे। तो ये सब कारणों से क्या किया गया, प्रसाद पर्यंत वाला मामला हटाने की बात की गई। इसके बाद संघ सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय को राज्य सूची में हस्तांतरित करने की बात की गई। मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची में बहुत ज़्यादा मामले हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जो राज्य सूची में होने चाहिए या उनके संबंध में अधिकार जो है राज्यों को दिए जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन था। इसके अलावा राज्यों को अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्यों को दिया जाए, ये मांग जो है ये बहुत पहले से चल रहा है। आपको ध्यान होगा तो जो आई थिंक जिन्ना का जो रिपोर्ट था, जिन्ना का जो रिपोर्ट था वहाँ उस रिपोर्ट के माध्यम से, जिन्ना का रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट के माध्यम से जो सरकार से ये लोग मांग कर रहे थे कि जो अवशिष्ट शक्ति है वो प्रांतों को दिया जाए। तो तब से मांग चल रही है और जब देश आज़ाद हुआ तो अल्टीमेटली स्थिति ये बनी कि हमने अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को नहीं दी, बल्कि किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया। केंद्र के पास आज की स्थिति में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और ये जो मांग है ये राज्य जो है उठाते रहते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं या जो मतलब जो रेसिडुअल पावर्स हैं, जो नए सब्जेक्ट हैं जो कि 7वीं अनुसूची के बाहर हैं, उन पे राज्यों का या प्रांतों का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS, IPS, IFS ये सबको इन्होंने क्या बोला था, समाप्त किए जाने की रिकमेंडेशन दी थी। तो समाप्त इसलिए क्योंकि ये क्या है, राज्यों के ऊपर एक तरीके से भार उत्पन्न करते हैं और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये एक निरंकुश शासक जैसे माने जा सकते हैं। फिर अगला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। ये अकाली दल जो है उसके बैठक का एक प्रस्ताव था, उन्होंने अपने प्रस्ताव में कुछ कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे। उन्होंने बोले थे केंद्र को केवल रक्षा, संचार और विदेश और मुद्रा के अलावा सभी विषय राज्यों को सौंप देना चाहिए। मतलब ये क्या चाह रहे हैं, केंद्र केवल क्या करे, एक रेगुलेटरी बॉडी की जैसे काम करे और उसका काम क्या होना चाहिए, एक जो मॉनिटरिंग बॉडी है या फिर एक संरक्षक के रूप में, केवल रक्षा, संचार, विदेश और मुद्रा के संबंध में ही होना चाहिए, इसके अलावा बाकी सभी मामले राज्यों को दे देना चाहिए। दूसरा, संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाकर जो फेडरल सिस्टम है उसको हम प्रॉपर रूप से यूज़ करके सभी राज्यों को क्या कर दें, समान प्रतिनिधित्व दे दें। मतलब चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा, सबको क्या दिया जाए, समान प्रतिनिधित्व दिया जाए और पूरा जो हमारा संविधान है उसको क्या बनाया जाए, फेडरल बनाया जाए, संघीय व्यवस्था को अपनाया जाए, ऐसा यहाँ पर रिकमेंडेशन था। अब आता है फाइनली सरकारिया आयोग 1983, या ये जो है इसके अध्यक्ष SRS सरकारिया थे, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। अब ये जो सरकारिया आयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, इसकी जो रिकमेंडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है
और आप कभी भी जब आंसर में लिखें तो कोशिश कीजिए, यदि आपको इसके कुछ रिकमेंडेशन याद हैं तो उन रिकमेंडेशन को वहाँ पर नाम के साथ क्या करें उसको डालें, ताकि ये इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। केंद्र के द्वारा कुल 247 जो रिकमेंडेशन थे उसमें से अब तक 180 सिफारिशें जो हैं मान ली गई हैं। इसके बाद की जो सिफारिशें हैं उन पर भी क्या है समय समय पर विचार विमर्श होते रहता है। तो ये एक सफल आयोग था जिसकी अधिकांश जो रिकमेंडेशन थी वो मान ली गई। अनुच्छेद 263 के माध्यम से इन्होंने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था का सिफारिश दिया था। तो ये बाद में क्या है गठित होगा, 1990 में गठित होगा। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 357 का प्रयोग सावधानीपूर्वक और अंतिम उपाय के रूप में किया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को अधिक मजबूत बनाकर और ऐसी कुछ नई सेवाओं का गठन किया जाए। तो आप यहाँ देखेंगे, इससे पहले हमने देखा राजमन्नार कमेटी और बाकी जो कमेटी है उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की बात की थी, लेकिन ये जो है जो आपका सरकारी आयोग है उन्होंने बोला था अखिल भारतीय जो सेवाएँ हैं उसको और मजबूत बनाया जाए और बल्कि और कुछ नई सेवाओं का स्पेशलाइज सेवाओं का गठन किया जाए। इसके अलावा कराधान की शक्ति संसद में निहित होनी चाहिए जबकि अन्य शक्ति जो है उनको समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। मतलब जो टैक्सेशन वाला जो पावर है वो संसद को दे दिया जाए, इसके अलावा बाकी सभी जो मामले हैं वो सब किसको दे दिया जाए, समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। समवर्ती सूची में ऑब्वियसली किसके पास अधिकार होता है, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों के बीच में क्लैश होता है दोनों के कानूनों के मध्य तो केंद्र का कानून क्या होता है ऑब्वियसली प्रभावी होता है। तो जब केंद्र का कानून प्रभावी होना ही है तो अलग अलग एक सेंट्रल लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे समवर्ती सूची और राज्य सूची रखा जाए। तो समवर्ती सूची में अगर कोई मामला होगा और केंद्र को लग रहा है कि स्टेट की पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है तो अपना एक मॉडल क्या बना सकते हैं, वो पॉलिसी बना सकते हैं और वो ऑब्वियसली स्टेट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्होंने बोला राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाने पर राज्य को उसका क्या बताना चाहिए, कारण बताया जाना चाहिए कि किन कारणों से जो संबंधित विधेयक है इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है। बिना कारण बताए बिना प्रॉपर सूचना के ये आरक्षित रख के इसको होल्ड करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण और संघीय तत्वों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र को बिना राज्य की सहमति के केंद्रीय बलों की तैनाती की शक्ति होनी चाहिए, यद्यपि ऐसा करते समय राज्य से परामर्श लिया जा सकता है या जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दो रिकमेंडेशन इनके ऐसे थे जो बाकी रिकमेंडेशन से अलग थे। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जितने प्रांत हैं वो हमेशा विरोध करते हैं, तो इन्होंने बोला ऑल इंडिया सर्विसेज को मजबूत बनाओ। दूसरा ये बोल रहे हैं कि CRPF जो है वो राज्य भारत की जो एकता और अखंडता है उसके लिए जरूरी है, तो राज्यों में केंद्र की सहमति ये मतलब जो CRPF है उसके डिप्लॉयमेंट की शक्ति होनी चाहिए और ऐसा करने से पहले संबंधित राज्य से परामर्श लिया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बात बोला राज्य अगर सहमति दें या ना दें, अगर केंद्र को लग रहा है कि यहाँ पर जो CRPF है उसको स्थापित करने की जरूरत है तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उसको डिप्लॉय करने की स्वतंत्रता केंद्र को होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दो एक कठोर रिमार्क दिए, पहला जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, दूसरा जो केंद्रीय बल है उसको तैनाती के लिए जो शक्ति है वो। इसके अलावा इन्होंने बोला समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्यों से क्या करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती या कॉन्करेंट जो लिस्ट है उस लिस्ट में स्टेट भी पॉलिसी बना सकते हैं, सेंट्रल भी पॉलिसी बना सकते हैं। अब यदि सेंट्रल क्या करना चाह रहा है, कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक मॉडल का कानून बना सकता है, या फिर ये काम करें कि वो स्टेट जितने स्टेट हैं सब स्टेट को बुला ले और बुला के एक बैठक करें और बैठक करके सबका इनपुट ले ले कि इस तरीके का हम कानून बनाना चाह रहे हैं, आप अपना अपना इनपुट दीजिए और हम एक नया कोई कानून बना रहे हैं ताकि आप लोगों के जो विचार हैं वो भी आ जाए, आप लोगों की जो समस्याएँ हैं वो भी आ जाए। तो इस तरीके से यदि कोई कानून बनेगा समवर्ती सूची से, और क्योंकि हमको पता है कि केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी होता है, तो ऐसा कानून बनेगा जिसमें सभी राज्यों की प्रॉपर सहमति होगी, तो ये क्या है संघवाद को और मजबूत करेगा और कानून की एक्सेप्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति आप करें लेकिन नियुक्ति के समय राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री से सलाह लिया जाए और इसको एक संवैधानिक प्रावधान बनाया जाए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में सरकार को भंग नहीं कर सकते। मतलब कई बार क्या होता है स्पेशली 1967 के बाद
जो केंद्र और राज्यों के मध्य अलग अलग दलों की सरकार जब बनी तो यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी। जो केंद्र की सरकार है वो अपने शक्तियों का मिसयूज करके क्या करते थे, जो राज्यों की वहाँ जिनकी क्या होती थी उनके अपने दलों की सरकार नहीं होती थी उनको अलग अलग आरोप से क्या कर देते थे, उन पर राष्ट्रपति शासन लगा देते थे या उनकी सरकारों को भंग कर देते थे। तो इन्होंने बोला कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में यदि कोई सरकार बहुमत में है तो उस सरकार को भंग नहीं कर सकते, उस मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकते। इसके अलावा राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इसको टेन्योर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये वाली बात बाकी जो कमेटी है वो भी करती है। बिना संसद के मांग के किसी भी राज्य मंत्री पर जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये हमेशा से जो राज्य है वो आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल क्या करता है, जो राज्य के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो भी प्रमुख लीडर्स हैं उनके विरुद्ध क्या करते हैं, ये जो अपने मशीनरी है जो पुलिस मशीनरी CBI ACB ये सबका क्या कराते हैं, वो रेड कराते हैं या जानबूझ के उनके विरुद्ध जांच आयोग बैठा के कार्रवाई कराते हैं। तो इन्होंने बोला कि बिना संसद के अप्रूवल के किसी भी राज्य मंत्री के विरुद्ध जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। इसके अलावा योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य कार्यों का वर्तमान जो बंटवारा है वो उचित और निरंतर होना चाहिए। उस समय योजना आयोग था, आज के टाइम में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया। तो उस समय इन्होंने रिकमेंड किया था कि योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य कार्यों का जो वर्तमान बंटवारा है वो क्या होना चाहिए, उचित और निरंतर होना चाहिए। मतलब इनके बीच जो कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर होना चाहिए, एक फिक्स नियम के या एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो योजना आयोग है वो क्या कर रहा है, वित्त आयोग की शक्तियों को ओवरलैप कर रही। कंप्लेन यही होती थी योजना आयोग की आलोचना में, लोग आलोचक यही बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली वित्त आयोग की जो शक्ति है उन शक्तियों को छीन के क्या कर रहा है, वो अपना पूरा का पूरा वित्त आयोग को ओवरलैप कर रहा है। इसके अलावा त्रिभाषा फार्मूला जो है उसको समान रूप से लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आपको त्रिभाषा फार्मूला पता होगा, त्रिभाषा फार्मूला में एक लैंग्वेज होता है हिंदी, दूसरा होता है इंग्लिश और तीसरा लैंग्वेज होता है वहाँ का लोकल लैंग्वेज। तो कहीं भी जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं, इसके अलावा जो आपके सिंबल्स हैं या जो बोर्ड्स वगैरह जो लगे होते हैं उन सभी जगहों में क्या यूज़ किया जाएगा, त्रिभाषा फार्मूला का यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज किसी स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट में यदि वहाँ के लोकल, साउथ में स्पेशल दिक्कत है, साउथ में गुजरात में और काफ़ी स्टेट में ऐसा इशू है, अब उसके लोकल लैंग्वेज में यदि लिखा है और आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फिर आप कोई अपना जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, कहीं आ जा नहीं पाएंगे। तो बेटर तरीका क्या है, आज की स्थिति में जो हिंदी है वो पैन इंडिया बोली जाती है, समझी जाती है, तो हिंदी का एक व्यापक प्रसार है। हिंदी अगर कोई व्यक्ति नहीं भी जानता है तो एटलीस्ट उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इंग्लिश को वो समझता है, इंग्लिश के माध्यम से अपना काम कर सकता है। और यदि वो दोनों नहीं समझ पा रहा है तो लोकल लैंग्वेज तो है ही, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए लोकल लैंग्वेज क्या है, एक सपोर्टिंग टूल के रूप में काम कर सकता है। तो हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज है, ये तीन लैंग्वेज को हर टाइप के जो संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान और साथ में जो पब्लिक डिस्प्लेज हैं वहाँ पर इसको कंपलसरी किया जाए या इसको लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाए, ऐसा इसका रिकमेंडेशन था। हालांकि जो साउथ के स्टेट हैं वो हमेशा विरोध करते हैं त्रिभाषा फार्मूले का। रेडियो और टेलीविजन के लिए जो स्वायत्तता नहीं होना चाहिए ऐसा इनका मानना था, लेकिन इनके कार्यों का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब ये एक ऑड टाइप का रिकमेंडेशन है कि रेडियो और टेलीविज़न जो है उनको स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, उनकी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ विवाद, मतलब विवादित रिकमेंडेशन हो सकते हैं और जनरली विवादित जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो नहीं किए गए। इसके अलावा राज्यों के पुनर्गठन पर राज्य सभा की भूमिका और केंद्र की शक्तियों परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था। अब आते हैं अल्टीमेटली पुंछी आयोग 2007 में। पुंछी आयोग जो है ये 2007 में गठित हुआ और ये इसके बाद कोई अभी नया आयोग नहीं गठित हुआ है और एक लेटेस्ट आयोग है, इसलिए हमको इसके जितने प्रोविज़न हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो याद रखने ही चाहिए। और आई थिंक इससे आप यदि इसका यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट भी होगा। इसके अध्यक्ष जो थे वो मदन मोहन पुंछी थे, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। पुंछी आयोग ने क्या किए थे, कुल 310 सिफारिशें दी थी, जिसमें से प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो हम आगे देखते हैं। इन्होंने बोला समवर्ती सूची पर यदि कानून बनाते समय केंद्र को राज्यों से परामर्श करके व्यापक सहमति बनानी चाहिए, जैसा कि सरकारी आयोग में बोला गया था, तो ये रिपीट हुआ। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर
संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब यदि राज्य सूची और समवर्ती सूची में संसद कोई कानून बना रहा है और संसद का कानून बनने का मतलब है कि संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा, तो यदि हम संसद का कानून बना के राज्यों के विषय पे उसको क्या कर रहे हैं, प्रभावी बना रहे हैं या समवर्ती सूची में प्रभावी बना रहे हैं, तो ऐसे संबंध में संबंधित जो राज्य की लोकेलिटी है या संबंधित राज्यों के जो सरकमस्टेंसेस हैं वो सब चीज़ों का पर्याप्त क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद कोई कानून को इम्पोज करना चाहिए। समवर्ती सूची के मामले में राष्ट्रहित के लिए नितांत आवश्यक विषय पर ही केंद्र कानून बनाए। मतलब यदि समवर्ती सूची में कोई विषय है तो केवल समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र को क्या नहीं करना चाहिए, बार बार उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार प्राप्त है, केंद्र और राज्य को। यदि हर मामले में केंद्र कानून बनाते रहेगा तो राज्यों का जो इंडिपेंडेंट वो कानून बना रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, उनके कानून बनाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो समवर्ती सूची के मामले में यदि केंद्र कोई कानून बना रहा है तो वो कोशिश करे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रहित में है, ऐसे कानून ही केंद्र बनाए, बाकी सभी कानूनों के लिए जो स्टेट है उनको लिबर्टी दे दे। समवर्ती सूची के मामले में अंतर राज्य परिषद को सतर्क अंकेक्षण की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब अंतर राज्य परिषद क्या करे, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहे, समय समय पर इवैल्यूएशन करते रहे कि इससे बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा संसद को सूची एक के प्रविष्टि 14 जिसमें प्रोविजन है समझौते करना और संसदीय अधिनियम के द्वारा लागू करना पर कानून बनाना चाहिए और संघीय संरचना का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, यदि जो भारत सरकार है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कोई समझौते करती है और उसको लागू कराने के लिए संसदीय अधिनियम बनाती है, तो ये सब के मामलों में क्या होना चाहिए, इस संबंध में एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए और संघीय संरचना का इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। संघीय संरचना का ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए, मतलब सरकार जो है वो क्या कर सकता है, किसी एक्स इंटरनेशनल फोरम में गए और उस इंटरनेशनल फोरम में कुछ ऐसी बातें या ऐसे संधि उन्होंने करके आ गए जो कि बेसिकली स्टेट लिस्ट का मामला था। अब स्टेट लिस्ट का मामला था और हमने इंटरनेशनल संधि कर ली है तो ऑब्वियसली अब क्योंकि हमारे पास प्रोविज़न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को यदि लागू करना होगा तो वहाँ क्या कर सकता है, केंद्र क्या कर सकता है, वो जो संसद है उसके माध्यम से स्टेट लिस्ट के कानून जो विषय हैं उन पर भी कानून बना सकता है। तो इस तरीके से देखें तो कोई यदि सरकार चाहे और बदमाशी पे उतर आए तो वो क्या कर सकता है, स्टेट के जितने मामले हैं उन सभी मामलों पे अलग अलग देशों से क्या कर लेगा, वो संधि कर लेगा, किसी न किसी बहाने से उस संधि को ऐड कर लेगा और हम उस संधि का पालन कर रहे हैं ऐसा बोल के वो क्या करेंगे, स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उन पर अतिक्रमण चालू कर देंगे। तो यहाँ इन्होंने बोला कि समझौते करना और संसदीय अधिनियम के द्वारा लागू करना जो है उस पर एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए, इसके अलावा संघीय संरचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोला संधियों और समझौते के फलस्वरूप बढ़ी हुई वित्तीय जिम्मेदारी। यदि ऐसा कोई संधि होता है, कोई समझौता होता है और जो राज्य हैं उनको क्या होती है, वित्तीय जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वित्त आयोग क्या करे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे और ध्यान में रखने के बाद उनको प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो प्रदान करे राज्यों को। राज्यपालों के चयन के समय सरकारी आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। तो राज्यपाल के लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा रिकमेंडेशन दिया था, वो हम राज्यपाल वाले सेक्शन में देख चुके हैं। उन्होंने बोला था कि किस दल को पहले वरीयता दी जानी चाहिए, तो ये सब अलग अलग निर्णय में भी आए हैं। साथ में सरकारी आयोग वाला जो रिकमेंडेशन था उसमें भी था कि गठबंधन जो चुनाव पूर्व गठबंधन है यदि वो सबसे बड़ा दल, सबसे पहले तो ये है कि सबसे बड़े दल को यदि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है तो, यदि बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो चुनाव पूर्व गठबंधन यदि सबसे बड़ा दल है तो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा दल है वो भी नहीं हो रहा है तो चुनाव के बाद जो गठबंधन बना है वो, ऐसे करके उन्होंने 4-5 रिकमेंडेशन दिया था कि किस तरीके से राज्यों में सरकारों का गठन होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला था राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन लगभग सभी जो कमेटियाँ उन्होंने की है। राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी प्रक्रिया में उसी के माध्यम से ही क्या किया जाना चाहिए, राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है पुंछी आयोग का। आप यदि सेफ गार्ड के बारे में बोलें या राज्यपाल के स्वायत्तता के बारे में या स्वतंत्रता के बारे में बोलें तो यहाँ रिकमेंडेशन को डाल सकते हैं कि पुंछी आयोग ने रिकमेंड किया है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की जैसी प्रक्रिया के माध्यम से, उसी तरीके से राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल भी क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और एक संवैधानिक पद है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, उसी तरीके की एक प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है वह उस व्यवस्था से।
इसके अलावा इन्होंने बोला त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति अगर है तो मुख्यमंत्री का चुनाव किस तरीके से होगा, तो बेसिकली सरकारी आयोग ने भी यही रिकमेंड किया था। तो जैसे हम महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, महाराष्ट्र के एग्जांपल में अभी जो हुआ उसमें क्या नियम अपनाए जाने चाहिए थे, तो उनको सबसे पहले क्या करना था, राज्यपाल को जिस दल या दलों के समूह को सर्वाधिक समर्थन मिला हो, तो कायदे से सबसे पहले उनको बीजेपी प्लस शिवसेना का जो गठबंधन था उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन इनके गठबंधन के बीच में क्लैशेज आ गए तो ये जो चरण था ये तो लागू नहीं हो सकता था। दूसरा, चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल मानना चाहिए, मतलब जो बीजेपी शिवसेना की जो गठबंधन थी उसको एक यूनिट माना जाना चाहिए था, उन्होंने माना भी। फिर तीसरा, यदि किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो पेंच यहीं से शुरू होता है, यदि कोई एक दल को नहीं मिला है गठबंधन, या फिर जो चुनाव पूर्व गठबंधन है उसको कोई क्या नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, या फिर वो बहुमत साबित नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर क्या था, बहुमत इनको मिला था शिवसेना बीजेपी को, लेकिन शिवसेना ने क्या कर दिया, बहुमत मतलब उनका साथ देने से मना कर दिया, तो इस स्थिति में क्या हो गया, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। तो बहुमत नहीं है तो अगला चरण क्या होगा, इसमें क्या होगा, चुनाव पूर्व वाले गठबंधन दलों का समूह जिनके पास सबसे अधिक संख्या है, बहुमत हो ना हो सबसे अधिक यदि नंबर है तो सबसे अधिक नंबर वाला तो ये जो गठबंधन था वो तो फेल हो गया था, तो ये संभव नहीं था। दूसरा, एकल बड़ा दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करे, तो इन्होंने क्या किया, सभी दलों को बारी बारी से बुलाया था, सबसे पहले जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी उसको बुलाया, इसके अलावा फिर शिवसेना, फिर आपका जो बीजेपी कांग्रेस था, इन लोग कांग्रेस को शायद नहीं बुलाए थे, इनसे भी बुलाए थे, तो ऐसे सभी दलों को इन्होंने क्या किया, बारी बारी से बुलाया, लेकिन उनके पास प्रॉपर उस समय नंबर नहीं थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर अगला कंडीशन है, चुनाव के पश्चात यदि कोई गठबंधन बन रहा है, अब ये चुनाव के पश्चात वाला गठबंधन जिसकी आज सरकार है, मतलब शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी की जो सरकार है, ये वाला है चुनाव के बाद का गठबंधन। तो चुनाव पश्चात गठबंधन जिसमें सभी पक्षकार सरकार में शामिल होना चाह रहे हैं। अब यहाँ दो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, चुनाव के बाद गठबंधन हुआ है और जितने पक्षकार हैं, पक्षकार मतलब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी, तीनों के जो घटक हैं वो क्या है, सरकार में शामिल होना चाह रहे हैं। सरकार में शामिल होने का मतलब है मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उसके मंत्री बनना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से होती है, यदि तीनों घटक दल इसमें सामूहिक रूप से शामिल होंगे तो क्या होगा, एक स्थायी सरकार की स्थापना हो पाएगी, तो इसलिए ये सभी पक्षकार अगर शामिल हो रहे हैं तो इसको ऊपर रखा गया है। इसके बाद सेम चुनाव के बाद यदि कोई गठबंधन हुआ है जिसमें कुछ पक्षकार सरकार में शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो बाहर से समर्थन देने वालों को उसके बाद वरीयता दी जाएगी। तो ये वरीयता का इन्होंने क्या किया था, एक वो बनाया था कि यदि कहीं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है, सरकार स्पष्ट बहुमत से नहीं बन पा रही है, तो क्या प्रक्रिया का पालन राज्यपाल को करना चाहिए। हालांकि इस प्रक्रिया या ये कोई कानून नहीं है, एक बस रिकमेंडेशन है। तो इन सब को क्या माना जाता है, या आज की स्थिति में यह है कि यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि वो किसी चीज़ को करे या ना करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में निर्णय दिया है कि किस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए या कौन से आदर्श प्रक्रिया हो सकते हैं, उस आधार पर चुनौती दी जरूर जाती है, लेकिन वो एक क्या है, राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर उसके विवेकाधिकार को चुनौती नहीं दी जाती। यदि उसके विवेकाधिकार का जो निर्णय है उसमें क्या हो, कोई बायसनेस हो या पक्षपातपूर्ण कोई व्यवहार हो, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसको दिया भी गया। इसके अलावा राज्यपाल को जो प्राप्त विवेकाधिकार है आर्टिकल 163, जो डिस्क्रिप्शन इनको प्राप्त है वो असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन नहीं है, और उनको भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। राज्य विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह के भीतर निर्णय ले लेना चाहिए, चाहे वो उसको स्वीकृत करे या फिर राष्ट्रपति को प्रेषित कर दे। जहाँ बहुमत के बारे में संदेह हो राज्यपाल के द्वारा क्या करना चाहिए, समय सीमा निर्धारित करने के बाद मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का समय देना चाहिए। तो जनरली राज्यपाल क्या करते हैं, यदि उनको डाउट होता है या फिर उनको लगता है कि बहुमत साबित किया जाना चाहिए, तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप प्रॉपर एक्स टाइम जो है 10 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितना भी टाइम है उस टाइम में आप अपना बहुमत साबित करो। इसके बाद
राज्यपालों को कुलपति और अन्य जो वैधानिक पद हैं वो धारण करने की परंपरा अंत हो जानी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल क्या है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। उसके अलावा वो अन्य जो कुलपति और अन्य वैधानिक पदों को धारण कर रहे हैं, तो एक से अधिक जो पद हैं उनके ऊपर वो ऑफिशियली क्या है, संलग्न है। हालांकि वो वहाँ पर कोई विशेष कार्य करते नहीं है, वो क्या करते हैं, केवल नाम मात्र के औपचारिक रूप से प्रमुख होते हैं, तो वो सब रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका मानना है। फिर ये है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो हम आर्टिकल 356 के माध्यम से क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो उसका तथ्य क्या होता है या कारण क्या होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आर्टिकल 355 के तहत सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। मैंने बताया था 355 क्या होता है, 355 में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको यथासंभव प्रयास करें कि संवैधानिक तंत्र वापस स्थापित हो जाए, और यदि आवश्यकता पड़ रही है तो वो केंद्रीय रिजर्व जो बल है उसको भी संलग्न करें। इसके अलावा राज्यों में यदि आंतरिक या बाह्य खतरा हो किसी प्रकार का, उन सबसे राज्यों की रक्षा करें। मतलब किसी भी स्थिति में राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है उसको स्थापित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, केंद्र के पास है, केंद्र की जिम्मेदारी है। यदि केंद्र फेल हो रहा है और उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, या राष्ट्रपति शासन लगा रहा है केंद्र, तो ये माना जाएगा कि केंद्र अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो उसको आर्टिकल 355 में मिला था उसमें फेल हो गया। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, इन्होंने कभी मतलब कोई भी जो केंद्र सरकार है वो आर्टिकल 355 में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाती, उनको जब समझ में आता है कि उनके दल के हित में नहीं है तो वो क्या कर देते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन को अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि सरकारी आयोग का भी रिकमेंडेशन था। 263 आर्टिकल 263 के माध्यम से आवश्यक इसको संशोधन करके क्या करना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और एक सरकारी सहकारी संघवाद की स्थापना की जानी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए आर्टिकल 263 में चेंजेस ला के। तो 263 तो याद कर ही लो, ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा, केंद्र राज्य संबंध में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, ये सबका एक फोरम बना के चक्रीय क्रम में क्या करना चाहिए, जो अध्यक्ष हैं उनका चयन उन्हीं के बीच से किया जाना चाहिए, और इनके मध्य क्या होना चाहिए, बीच बीच में संवाद होते रहना चाहिए, ताकि ये क्या करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें, और इस तरीके से क्या हो, एक सहकारी संघवाद की व्यवस्था जो है वो डेवलप हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, हमने सरकारी आयोग में देखा था, उन्होंने बोला था कि और नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो है वो है IAS, देन IPS और है IFS, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, दूसरा पुलिस सर्विसेज में है, और तीसरा फॉरेस्ट सर्विसेज में। तो हमारे पास तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं। इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, और इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के साथ साथ न्यायपालिका में भी क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला राज्यसभा में बिना जनसंख्या को ध्यान में रखे समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब राज्यसभा में जैसे USA में प्रोविजन जो है उसमें हर राज्य से क्या होते हैं, दो मेंबर चुन के जाते हैं जो हायर हाउस है, अपर हाउस है उसमें, तो सेम यहाँ भी होना चाहिए। राज्यसभा में क्या होना चाहिए, राज्यों की जनसंख्या कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा बेसिकली राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला भविष्य में बनने वाले सभी विधियों में लागत के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि कितना हिस्सा क्या होगा, राज्यों का होगा, कितना हिस्सा किसका होगा, केंद्र का होगा। जैसे कि आपका RTE में और मनरेगा में ये सब में उल्लेख है, जैसे मनरेगा में क्या है, मनरेगा में फिक्स रेशियो है आपका जो मनरेगा में 90-10 का जो रेशियो है, या अलग अलग जो रेशियो है वो रेशियो का क्या किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए या मेंशन किया जाना चाहिए कि उसमें केंद्र कितना पैसा देगा और राज्य कितना पैसा देगा। इसके अलावा व्यवसाय कर की वर्तमान जो सीमा है जो कि 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, उसको समाप्त कर देना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। व्यवसाय कर बेसिकली क्या है, बहुत एक नॉमिनल टाइप का टैक्स होता है। आज की स्थिति में एक व्यक्ति से किसी भी टाइप के व्यवसाय को करने के लिए अधिकतम जो शुल्क है या कर है वो कितना है, 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है। ये बहुत कम है आज की स्थिति में, क्योंकि व्यवसाय का जो वो है स्ट्रेंथ है वो बड़ा हो सकता है, उसका व्यवसाय बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको उस रेशियो में लिया जाना चाहिए, यहाँ एक रिकमेंडेशन था। फिर उन्होंने बोला कि वित्त आयोग और योजना आयोग जो कि आज की स्थिति में नीति आयोग है उसके मध्य क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो ये थी पुंछी आयोग की
रिपोर्ट और उनकी अनुशंसाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बार डिटेल में पढ़ने चाहिए और उसके जो की फीचर्स हैं, हालांकि मैंने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो डाल दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी भी बच गए होंगे, वो आप डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ने के बाद जब भी आप मेंस में आंसर लिखें और आपको ऐसा डिटेल में कोई आंसर लिखना हो, इवन एसे में भी आप क्या कर सकते हैं, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन को डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।